देवास विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजू पवार के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार शाम देवास पहुंचे थे, जहां हेलीपैड पर भाजपा से प्रत्याशी गायत्री राजू पवार, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, महाराज विक्रम सिंह पवार ने उनका स्वागत वंदन किया। तत्पश्चात राधागंज स्थित क्लब ग्राउंड में सभा की। उन्होंने भाजपा को जिताने का संकल्प दिलाया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस बिना इंजन की सरकार है। वह कहते हैं हमारी मोहब्बत की दुकान है, तो याद रखना उनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान भी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवास के साथ मेरे दो रिश्ते हैं, एक आपकी विधायक है, दूसरा सिंधिया परिवार की राजकुमारी ताराबाई का विवाह देवास परिवार में हुआ था, जिससे आपका और मेरा रिश्ता बनता है। मैं आधुनिकता के विकास में आपका भाई हूँ, आपकी राजमाता साहब आपकी सेवक है, आपकी घर की माँ है या तो बेटी या बहन है, पर मेरे लिए तो मेरी अक्का बहन है। इनके साथ मैं बचपन में साथ में खेला हूँ, साथ ही झगड़ा किया है। इस जोड़ी ने पूरे बचपन साथ में गुजारा है। एक तरफ मेरी देवास की जनता के लिए आया हूँ और दूसरी तरफ मेरी बहन के लिए आया हूँ। सिंधिया ने कहा कि 2003 में बिजली, पानी, अच्छी सड़कें नहीं थी। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने को कहा था, लेकिन एक का भी कर्जा माफ नहीं किया। अगर मैंने सरकार नहीं बदली होती तो 2500 करोड़ रुपए किसानों का माफ नहीं होता। उन्होंने मौजूद जनता से पूछा कि सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी नहला है तो कमल का फूल उस पर दहला है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक है। ये चुनाव दो पार्टियों का नहीं है, चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य तय करेगा। कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का है और भाजपा में विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का। झगड़ा किया है इस बचपन में, इस जोड़ी ने पूरा बचपन एक साथ गुजारा है। तो आज मैं आया हूं तो एक तरफ मेरी देवास की जनता के लिए आया हूं और दूसरी तरफ मेरे बहन के लिए आया हूं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की यह रिपोर्ट।